नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव के बारे में, जिसको कि हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर लॉन्च किया गया है इनको विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये क्या होता है सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव, इसका क्या फायदा रहेगा भारत को, या ऑस्ट्रेलिया को, या जापान को? ओके, तो या फिर क्या इससे जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, क्या वो कम होगी? ओके, तो अभी इस पूरे मुद्दे को ना अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत मैं करता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। तो ये देखिए, यहां पर हम समझते हैं कि सप्लाई चेन सिस्टम कैसे काम करता है, पहले तो ये समझो, उसके बाद में आपको ना अपने आप समझ आ जाएगी कि सप्लाई चेन इनिशिएटिव में हम क्या करने जा रहे हैं। तो यहां पर मैं जस्ट एन एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं कि यहां पर ना एक बिस्किट हमने बनाना है। ओके, बिस्किट का पैकेट का निर्माण करना है। तो शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल में हम यहाँ पर गेहूं ले लेंगे। ओके, तो सपोज करो पतंजलि के बिस्किट बन रहे हैं। ओके, तो वो कहते हैं कि हमारा 100% गेहूं से बनता है। तो सपोज करो वही पतंजलि के बिस्किट है, रॉ मटेरियल क्या है? गेहूं। गेहूं पकड़ा। ओके, रॉ मटेरियल किसके पास गया? सप्लायर के पास। सप्लायर ने खरीद लिया। ओके, उससे सप्लायर ने खरीद कर आगे किसके पास भेजा? यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मतलब जिसने कैपिटल वगैरह लगाया हुआ है, प्लांट लगाया, मशीनरी की इन्वेस्टमेंट की हुई है। ओके, तो वहां पर उसी गेहूं को पीस के वगैरह, ठीक है ना, आगे जितना भी वहां पर फर्दर प्रोसेस होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग में डाला। ओके, उसके बाद वो जब बन गया, उसका उसके पैकेट्स तैयार हो गए, तो पैक करके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो रेडी हो गया। ओके, पॉइंट नंबर 4 पर, तो ये ट्रक रेडी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट्स जो है ना, उनको पेटीज बनाकर या फिर जो स्टॉक बनाकर इसमें भर दिया, अभी डिस्ट्रीब्यूशन के रेडी हो गया, आगे भेज दिया उसको रिटेल लोकेशन। रिटेल लोकेशन में शॉपिंग मॉल्स आएंगे, वहां पर भी आपको पतंजलि के बिस्किट देखने को मिलेंगे, या फिर जो नॉर्मल जो यहाँ पर शॉप्स होती हैं, जो रिटेल शॉप्स होती है, तो वहां पर भी आपको वो देखने को मिलेंगे, वहां पर वो बिकने के लिए तैयार है। और जो लास्ट यहाँ पर जो होता है, वो होता है कस्टमर, जिसने उसको खरीदना है। ओके, तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा ये सप्लाई चेन हो गया। ओके, अभी ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ना, सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव, तो उसके तहत क्या करेंगे, इस पूरी के पूरे सप्लाई चेन में कहीं पर भी किसी देश के पास कोई बाधा है, सपोज मैन्युफैक्चरिंग में भारत अच्छा नहीं कर पा रहा, ओके, तो यहाँ पर इसी सेक्टर में अभी काम लिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया से या फिर जापान से। ओके, तो सपोज करो डिस्ट्रीब्यूशन में जापान अच्छा नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर इसी सेक्टर में यहाँ पर ना जो सहायता ली जाएगी इंडिया की या ऑस्ट्रेलिया की। तो इस तरीके से मतलब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, लेकिन पहले यह सब कुछ अगर कहीं पर भी सप्लाई चेन में बाधा आती, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है? वो चाइना के ऊपर होती है ज्यादातर प्रोडक्ट्स में। जिसमें अगर मैं कोई वैक्सीन बनाना चाह रहा हूँ, या पर मैं कोई ड्रग बनाना चाह रहा हूँ जिससे कि मैं किसी को ठीक कर सकता हूँ ना, तो ज्यादातर जो यहाँ पर एपीआई आता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं, जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, वो हम चाइना से ही हम इम्पोर्ट करते हैं। अगर कहीं पर भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, जिस सेक्टर में प्रॉब्लम है, चाइना से इम्पोर्ट कर लो, तो मतलब ज्यादातर भारत ऐसे काम करता है। ओके, तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी इकोनॉमीज है जो डिपेंडेंस होगी, मतलब पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गई है चाइना के ऊपर। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर जो काम किया जाएगा ना, वो इस बिस्किट फैक्ट्री के ऊपर काम नहीं किया जाएगा, यहाँ पर 5 अलग अलग फील्ड हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा इस यहाँ पर इस इनिशिएटिव के तहत। वो कौन से फील्ड है, चलिए वो भी उसी के ऊपर बात करते हैं। तो पहली बात तो जब इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, तो भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई? तो भारत की तरफ से यह स्टेटमेंट आई कि जापान और ऑस्ट्रेलिया, और इन दोनों के साथ तो हम यहाँ पर इसको शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जो भी ऐसी कंट्री जो इंडो पैसिफिक रीजन में ऐसा देश जो मतलब हमारी जैसी थिंकिंग रखता है सेम, और मतलब इस तरीके से सप्लाई चेन में काम करना चाह रहा है, ओके, तो वो अच्छे तरीके से अगर आगे बढ़ सकता है, तो वो भी उसका भी वेलकम, वो भी आए। ओके, तो अभी तो सिर्फ यहाँ पर एक यहाँ पर ट्राइलेटरल ये ग्रुप बना है, ओके, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जो कि तीनों मिलकर सप्लाई चेन के तहत ऊपर जाना, इसके ऊपर पर्टिकुलरली फोकस करके काम करेंगे। तो अभी ये बात किसके द्वारा की गई? ये बात की गई है हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल द्वारा। तो ये रेलवे के भी मिनिस्टर यही हैं। ओके, तो मतलब ये एक ऐसे मिनिस्टर है जिनके जो पिताजी वो भी यहाँ पर मंत्री थे, ओके, केंद्र सरकार में, अभी उनका बेटा ये पीयूष गोयल। ओके, तो ये बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने ये बात कही जब यहाँ पर लॉन्च किया गया था सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव को, उस समय ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ ट्रेड टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट डॉन टिहन ये मौजूद थे। ओके, इसके अलावा जो जापान के मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी ट्रेड एंड इंडस्ट्री काजीयामा हिरोशी, तो ये भी यहाँ पर मौजूद थे। तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है इसको लॉन्च किया गया है, इस इनिशिएटिव को, तो यहाँ पर वेलकम किया गया। कोई भी देश मतलब जो जिसकी सिमिलर थिंकिंग है हम जैसी, जिस तरीके से हम यहाँ पर सप्लाई चेन में काम करना चाह रहे हैं, अगर इंडो पैसिफिक में कोई भी ऐसा देश है जो यहाँ पर काम करना चाह रहा है हमारे साथ मिलकर, उसका वेलकम किया जा रहा है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। तो यहाँ पर इससे यही आस लगाई जा रही है कि अगर ऐसा हम रेजिलेंट सप्लाई चेन आपस में व्यापार का ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्ड कर पाएंगे आने वाले समय में, तो यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, वो कम हो जाएगी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो जापान है।
तो यहाँ पर और भी कोई रीजन जिसकी की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, तो उसकी भी डिपेंडेंसी कम होगी अगर इस तरीके से अलग से ग्रुप बनाकर चला जाता है। तो यहाँ पर कुल 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं, 5 फील्ड ऐसे हैं जिन पर कि अभी पहले शुरुआती दौर पर फोकस किया जाएगा। तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है ऑटोमोबाइल का सेक्टर, उसके बाद है FMCG जिसको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बोलते हैं, ओके, मतलब कि जो जल्दी से बिक जाता है, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, ऐसे गुड। तो इसकी कोई एग्जाम्पल आप खुद से दें मुझे। इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर जो यहाँ पर फील्ड हो गया, इसके अलावा जो सोलर पावर प्लांट्स या फिर जो केमिकल की जो इंडस्ट्री होगी ना, तो अभी इन सभी 5ों सेक्टर्स में यहाँ पर जो ना सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव के तहत काम किया जाएगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अभी जो ये जो 5 सेक्टर्स की हम बात करें ना, तो इनका मतलब काफी बड़े पैमाने पर एक होल्ड बना हुआ है सप्लाई चेन का भारत में। ओके, तो आप ये 5ों सेक्टर्स में देख लो, भारत अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पर यही चीज ढूंढी जाएगी कि कहाँ पर अगर सप्लाई चेन में भारत में कहीं पर भी गैप है ना, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में गैप है या डिस्ट्रीब्यूशन में गैप है, ओके, या फिर मशीनरी में कोई गैप है, ओके, तो इन सब चीजों को यहाँ पर इस गैप को ढूंढा जाएगा, उसको बारे में दूर किया जाएगा, और जो भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी जापानीज और ऑस्ट्रेलियन कंपनीज के साथ, और मतलब उनसे यहाँ पर सलाह मशवरा करके उसी यहाँ पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जाएगा आपस में बात करके। ओके, तो इसमें यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको समझाया बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है जो है ना यहाँ पर अप्रोच बनाकर चला जाएगा। तो इसको टाइम बाउंड मैनर में किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब एक जगह जो अगर मतलब कोई त्रुटि रह गई है तो उसको दूर करने में काफी समय लग गया, फिर तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो पाएगी। ओके, तो इसको टाइम बाउंड मैनर में करना होगा, करना पड़ेगा। ओके, तो ये बात कही जा रही है यहाँ पर गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा भी, पीयूष गोयल जी के द्वारा भी। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने इन्वाइट भी किया जापानीज और ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को कि अपने जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो इंडिया में बनाए। ओके, तो यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ पर सप्लाई उनकी जो है ना उसको इंटीग्रेट करें और सप्लाई चेन को और मजबूत करें। ओके, तो अगर अगर ऐसे फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज अगर इंडिया में आती है, तो जिन 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 सेक्टर में इंडिया मजबूती से काम कर रहा है, अगर वहां पर कोई गैप पाया जाता तो ये उनकी पूर्ति कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर इनके अगर ये इंडिया में आती तब भी फायदा है, अगर ये बाहर से अपने देशों से भी ऑपरेट करती तब भी भारत को फायदा है। ओके, तो तब भी तो हमने चाइना से कुछ ना कुछ मंगवाना था ना, तो अभी इन्हों से मंगवा सकते हैं, तो इनसे हमारा जो है ना ट्रेड भी बढ़ जाएगा, और यहाँ पर आने वाले समय में चाइना को भी काउंटर कर लेंगे इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि इस इनिशिएटिव के तहत एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो एग्जिस्टिंग जापानीज इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है। ओके, तो उनको मतलब कि वो यहाँ पर पर्टिकुलरली इन 5ों सेक्टर्स के ऊपर वो फोकस कर सकती हैं और जो है ना आगे अपने ट्रेड को आगे बढ़ा सकती हैं। और आगे यहाँ पर बात करें, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है कि ट्राइलेटरल, ये जो ट्राइलेटरल ग्रुप बना है ना, तो अगर ये सही तरीके से काम करता है, यहाँ पर जो प्रेफरेंशियल जो इन्वेस्टमेंट रूल्स को उनको फॉलो करके चलता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में यहाँ पर कोई यहाँ पर हानि नहीं आने देता, जो रूल्स ऑफ ओरिजिन है मतलब किस तरीके से वैल्यू एडिशन करना है, अगर कोई प्रोडक्ट बना है कि कौन कौन सा खर्चा इसमें डालेंगे जिसके चलते इसका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, और मतलब इसकी कोई एंडिंग कॉस्ट बनेगी कि इतने में बिकेगा चीज, तो बस इसके ऊपर भी आपस में सलाह मशवरा करना है। और यहाँ पर एग्रीमेंट करना है कि टैरिफ्स के ऊपर, मतलब अगर स्पेसिफिक सप्लाई चेन जब होगी, अगर हमने जापान से कुछ मंगवा लिया, कुछ मशीनरी मंगवा ली कि हमें यहाँ पर ये मशीनरी चाहिए, इसके चलते हमारी सप्लाई चेन में बाधा आ रही है, तो हमने मशीन मंगवा ली वहां से। ओके, तो वहां पर जो ये टैरिफ वगैरह होगा ना, अगर हम कोई यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, तो अक्सर भारत ऐसा करता है कि भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से अगर कोई सामान आता है तो उसके ऊपर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दिया जाता है, जिसके चलते टैरिफ बढ़ा दिया जाता है, जिसके चलते वो बाहर से जो चीज आती है वो महंगी हो जाती है, और उसी की जैसे जो देश देश में चीज बन रही होती है वो सस्ती रहती है, और जो सस्ती चीज होती है उसी को देश का कंज्यूमर जो है ना वो फॉलो करेगा। तो मतलब इन चीजों के ऊपर अभी फोकस करना होगा कि ऐसे नहीं कर सकते कि मनमानी कर ली और अपने हिसाब से यहाँ पर टैरिफ लगा दे, तो यहाँ पर पहले से ही एग्रीमेंट करना होगा यहाँ पर जो की टैरिफ है, मतलब कितना टैरिफ वगैरह लगेगा अगर कोई सामान मशीन वगैरह हमने जापान से मंगवा भी ली है अपनी सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए। ओके, तो ये भी इस इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है कि जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी उसको बाद में यहाँ पर शेयर किया जाएगा आपस में इन तीनों कंट्रीज की जो भी कंपनीज होगी उसके द्वारा। ओके, जो भी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही हो, जैसे कोई यहाँ पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में काम कर रही है, तो उसके जैसे जितनी जापान में कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया में कंपनी है, इंडिया में कंपनी है, आपस में तालमेल बिठाकर चलेंगी कि हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, आपको कहाँ पर आ रही है, आपकी मदद हम करते हैं, आप हमारी मदद करो, इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर सप्लाई चेन में गैप्स को ढूंढा जाएगा, जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस होंगे उनको आपस में डिस्कस किया जाएगा, और मतलब और लचकीलापन यहाँ पर लाया जाएगा सप्लाई चेन में, मतलब बाधा नहीं आनी चाहिए किसी चीज की भी, और यहाँ पर कोशिश की जाएगी क्वालिटी खराब ना हो, अच्छी कॉस्ट में अच्छे दाम पर सस्ते से सस्ते दाम पर जो है ना कंज्यूमर को वो चीज अवेलेबल हो जाए, और अच्छी तरीके से डिलीवर जो ना वो हम कर पाए अपने प्रोडक्ट की। और के इसी तरीके से यहाँ पर ना इस टास्क को अंजाम तक पहुंचाना है, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट्स होंगी उनको यहाँ पर सबमिट किया जाएगा, जब भी मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होंगी, ओके, किसी भी सरकार के द्वारा आपस में, तब भी यहाँ पर देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो है ना सप्लाई चेन इनिशिएटिव के तहत क्या कोई फायदा देखने को मिला है।
ओके, तो ये था ओवरऑल पूरा सिनेरियो। आई होप आपको बात पकड़ में आई है, आपको समझ में आई है। अपना फीडबैक अपना जरूर दें। ओके, कैसा लगा लेक्चर आपको? और यहाँ पर आखिर में एक बात रह गई है कि जो यहाँ पर सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव की तरह जितने भी मंत्री हैं अलग अलग देशों के, तो यहाँ पर हर 4 महीने के बाद जो है ना यहाँ पर मीटिंग होगी। जैसे अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत यहाँ पर लॉन्च किया गया, बिल्कुल इसी तरीके से मीटिंग होगी। तो ये आप पूरा सिनेरियो देख लो। ओके, कहीं मतलब हवाई जहाज से कोई कार्गो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, कोई मशीनरी जा रही है, कोई सामान जा रहा है, ओके, कोई प्रोडक्ट जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपस में मिल बैठ कर काम करना है। ओके, तो फीडबैक अपना जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।